हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना शहर में, जहां हम लेकर आते हैं आपके शहर की हर खबर, दिलचस्प मुद्दे। मैं हूं सैयद नकी हसन। अपना शहर प्रोग्राम के इस सफर की शुरुआत करते हैं शहर की कुछ खास खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी राय कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मौलाना आजाद नगर में पानी की समस्या, इलाके के लोगों ने बुलाई पब्लिक मीटिंग। भिवंडी के मौलाना आजाद नगर में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने MIM के कार्य अध्यक्ष शादाब उस्मानी के साथ एक पब्लिक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें लोगों के मूलभूत सुविधा जैसे पानी की काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने कहा कि वार्ड नंबर 4 में पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या है। इलाके के नागरिकों ने कहा कि अगर इस पानी के मसले का हल नहीं निकलता है तो इलाके के पूर्व नगर सेवक के घर का घेराव करेंगे, और अगर फिर भी कोई हल नहीं निकला तो मौलाना आजाद नगर के लोग, महिला और पुरुष, भिवंडी महानगर पालिका पर अपनी मांगों को लेकर धरना देंगे। और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये पानी मूलभूत सुविधा में आता है और नागरिक को पानी मिलना ही चाहिए। इसी के चलते आज वार्ड नंबर 4 मौलाना आजाद नगर के इलाके स्थानिकों ने मुझे यहाँ बुलाया था और इनकी समस्या पे पिछले एक हफ्ते से हम काम कर रहे हैं, और पूरे एक हफ्ते में हमने जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ के जो कॉरपोरेटर हजरात हैं वो अब कॉरपोरेटर नहीं रहे। दूसरी बात, 5 साल में एक बार भीख मांगने आते हैं, लेकिन आज इनका काम करना है तो हर नगर सेवक एक ही बात बोल रहा है कि मेरा वार्ड नहीं। पिछले 10 साल से सेम समस्या बनी हुई है, इसका ठोस हल निकालने के लिए आज हम यहाँ बैठे थे और सारी मजलिस में इत्तेफाक राय से तय हुआ है इलाके के लोग जो है आने वाले वक्त में 10 से 15 दिन में समस्या का हल होती नहीं है तो आपस में इत्तेफाक राय से एक एक कॉरपोरेटर का नाम तय करके उसके घर या उसके बंगले का घेराव करेंगे ताकि पानी मिल सके। दूसरी बात यह है कि माननीय आमदार रईस शेख की निधि से इस वार्ड में पानी की नई लाइन डाली गई, लेकिन उस लाइन में पानी ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, नेता ने कम से कम इस बात को तो जान लेना चाहिए कि वो जो निधि इस्तेमाल कर रहा है वो सही से हो रही है कि नहीं है। खाली बैनर लगा देना, क्रेडिट ले लेना, लेकिन जनता तक वो क्रेडिट अगर पहुंचती नहीं है तो उस क्रेडिट का क्या महत्व होता है। आज वार्ड नंबर 4 में मौलाना आजाद नगर में पानी ही नहीं, दुनिया भर के बैनर लगाए गए कि नई लाइन डाली जा रही, नई लाइन डाली जा रही, लेकिन पानी नहीं है। तो ये सभी नेता के लिए, ये जो एक दिन की कहानी नहीं है, पिछले 10 साल से इस इलाके में पानी नहीं है, लेकिन ये जो 10-20 साल की जो कहानियां हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स के माध्यम से टैक्स ले रही है, टैक्स में एक बाध्य किया हुआ है 2017 से कि नल पट्टी भरना अनिवार्य है। जब नल पट्टी भरना अनिवार्य है तो पानी हमें मिलना क्यों अनिवार्य नहीं है। इसी की बात को दखल लेते हुए आज ये तय हुआ है कि आने वाले वक्त में पहला आंदोलन माननीय महानगर पालिका में लड़े हुए नगर सेवक के घर के घेराव का है। दूसरा आंदोलन, अगर वो हल नहीं होता है, वो मोटी चमड़ी का सबूत देते हैं, बेहिस हैं, काम करना ही नहीं चाहते, तो ये मजलिस जो है इस वार्ड की सारी आवाम जो है भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका का घेराव करने को तैयार है। मेरा नाम तस्लीमा शेख है, हम लोग सुजात अपार्टमेंट में रहते हैं, हम लोग खिड़की में बैठे हुए रहते हैं। अगर 5 मिनट में पानी चला गया, अगर हम पलट के बच्चों को खाना देने लग गए, पानी चला गया, फिर हम लोगों को पानी तक नहीं मिलता है। फिर वही उतर के जाएंगे मोहल्ले में किसी के घर पे भीख जैसा मांगेंगे, 1 बाल्टी 2 बाल्टी, फिर लेके जाएंगे, बताओ हमको नहाने धोने के लिए या तो नदी पर जाना पड़ता है या किसी और मोहल्ले में, समद नगर में जहाँ 24 घंटा पानी आता है। अरे उनके यहाँ तो नीचे में किसी के घर में एक आधा अंडा कोई दे देता है, कोई रोज थोड़ी पानी देने वाला है। हाँ, या तो फिर डब्बा मंगाओ। हम लोगों को पानी की इतनी ज्यादा तकलीफ है कि हम लोग बता नहीं सकते किसी को। बिल्डिंग में पानी आना चाहिए और इस एरिया से आना चाहिए या इस तरफ से कहीं से भी आए, जिस आलिया के पास में 24 घंटा पानी आता है वहां से हम लोग को पानी की कोई लाइन की सुविधा नहीं है। अरुण रात के एरिया में भी पानी एकदम अच्छी तरह से आता है, हम लोगों को पानी नहीं मिलता। वहां पर भी किसी के घर जाएंगे और 1 घंटा देगा 2 घंटा देगा, रोज आना का नाटक है, कौन देगा पानी? या तो डब्बा मंगवाओ या तो अपने बच्चों को नहलाने के लिए दूसरी जगह जाओ। देखिए, ये मैं मौलाना आजाद नगर से बोल रही हूँ। यहाँ पे पानी की हम लोगों का अभी से नहीं बना जाने कितने सालों से तकलीफ है। काउंसलर को बोले, उन्होंने मतलब लाइन डाली, ये करा, लेकिन आज तक पानी सही से आया नहीं। बहुत आता है 2 महीने, जब नई लाइन पड़ती 2 महीने भी नहीं आता है, फिर मालूम पड़ा परेशानी है। इस तरीके से हम लोग बिल्डिंग वाले इतने परेशान हैं पानी के लिए कि बता नहीं सकते। ये बच्ची है, ये छोटी छोटी बच्ची है, बाल्टियाँ भर भर के लेके जाती है घर में पानी पानी के लिए। ये है इनको इनको भी इतनी परेशानी पानी की, ये है जितनी औरतें, पानी में क्या होता है।
जिसके घर में ठंडी है। अरे कई साल हो गए, कई साल हो गए, कई साल हो गए। सब लोग उन्होंने भी किया, उन्होंने वो मोटर लगाया, ये किया वो किया, फिर रही शेख वो अभी आए, उन्होंने भी देखा करा, लेकिन वो चीज मतलब हम लोगों की हल हुई ही नहीं। और अभी तो इतनी ज्यादा परेशानी है कि बस क्या बताएं, तो तकलीफ है। पानी तो सिर्फ सुबह नहीं, सिर्फ एक टाइम आता है, चार बजे सिर्फ 10 मिनट पानी आता है, और कभी कभी तो वो भी नहीं आता। बेचारे लोग मोटर चालू कर करके छोड़ देते हैं कि अब पकड़ेगा, अब पकड़ेगा, जाने तक के पकड़ता ही नहीं है। हमारा इलाका जो है बाकी अपना मौलाना नगर इलाका पड़ता है, बैताल पाड़ा के पीछे वार्ड नंबर 428 पड़ता है। यहाँ पे समस्या पानी की है कि यहाँ पे पानी 40 से 45 मिनट आता है, और आगे पानी आता है, पीछे वालों को पानी मिलता नहीं, यहाँ बिल्डिंग वालों को खासकर। और हमारी समस्या है, हमने कई बार वार्ड में भी अपील की, काउंसिलर से भी अपील की, और शासन से भी बोला गया इस बात के बारे में कि भाई हमको पानी की सहूलत फराहम की जाए। यहाँ देखा पटनावर साहब ने यहाँ पे विजिट भी किया, नई लाइन जो रही सिंह ने डाली है यहाँ पे, उसके लिए 4-5 बार विजिट किया उन्होंने। हमने उनको अपनी समस्या का पूरा पूरा समाधान बताया था, उन्होंने कहा भाई हो जाएगा, मगर उन्होंने जो लाइन चालू की है वो इनडायरेक्ट चालू की, डायरेक्ट लाइन में पाइप में जो जोड़ा नहीं है, इसके लिए हमको फोर्स नहीं मिलता है। मैं हमको पानी मिलना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि भाई हमको तो 45 मिनट पानी छोड़ रहे हैं, कम से कम हमको 80% पानी मिले घर में। हम घर पट्टी भरते हैं काय के लिए, आश्वासन के लिए, तो घर पट्टी भरने के बाद भी हमको शुद्ध सुविधा नहीं मिलनी पसंद है, तो उसका मतलब क्या, इसलिए हम ये गुहार आपके थ्रू भेजना चाहते हैं इस बात को। कनेक्शन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं जो पानी छोड़ रही है गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी के द्वारा जो आ रहा है उसका फोर्स बढ़ाया जाए या उसका टाइमिंग बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ तक पानी पहुँचे। या दो टाइम पहले आता था हमको आधा आधा घंटा सुबह शाम, तो सुबह शाम दो टाइम चाहिए पानी हमको। हमारे मोहल्ले की फौरी जो समस्या पानी की है, ये पानी की समस्या फौरी तौर पर हल होने के लिए एक ही उपाय है, जो रईस शेख की नीति से 38 लाख पास हुआ था, जो 4 इंच की लाइन डाली गई है, उस 4 इंच के साथ में इंसाफ नहीं हुआ। जो इंसाफ होना चाहिए था, 4 इंच की लाइन को मेन लाइन में 4 इंच में डाला जाए, जिससे प्रेशर बने, फोर्स बने, पानी भरपूर नीचे तक आवे। और ये लोगों ने रात के 1 बजे के बाद उसको 2 नंबर में करके कन्वर्ट कर दिया, 4 इंच की लाइन नहीं करते हुए डायरेक्ट उसको 1-1 इंच का 2 टॉप अरुण रावत का डाला हुआ उसको काट के रईस शेख की लाइन में जोड़ दिया गया। 4 इंच की एक लाइन में 1-1 इंच का 2 लाइन डालने से प्रेशर बिल्कुल नहीं है, जिससे पानी आ नहीं रहा है, पानी पहुंच नहीं रहा आगे तक, लोगों को पानी मिलने। हमारी मांग सिर्फ यही है कि हमको पानी मिलना चाहिए। अब हमारे लिए सामने सुविधा यही है कि 4 इंच को 4 इंच में डाला जाए, मेन लाइन को 4 इंच में डाला जाए, जिससे पानी का प्रेशर फुल हो और पानी फुल 4 इंच में बढ़ के आवे, जो सब तक हर घर तक आखिरी तक कोने तक पहुंचे। यहाँ तो दूसरी समस्या ये है हमारे, दूसरा हमारे पास रास्ता ये है कि हम आलिया कम्प्लेक्स जो हमारे बिल्कुल लगा हुआ है बाजू में, वहां से एक लाइन डाल दी जाए हमारे इधर, कुछ बिल्डिंगों को डिवाइड कर दिया जाए, तो आज तकलीफ है वो तकलीफ दूर हो जावे। अगर फौरी तौर पे 4 इंच को हमारे डाल दिया जाता है मेल लाइन में, 2 1-1 इंच का निकाल के 4 इंच का डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, तो इंशाल्लाह ये समस्या फौरी तौर पे हल हो जाएगी। और आगे जो और नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं उसके लिए आलिया कम्प्लेक्स से जो एक लाइन आ जाए, तो इस समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमारी 2 डिमांड है, 4 इंच को 4 इंच में डाला जाए मेन, और आलिया से एक लाइन लाई जाए एक्स्ट्रा, ये 2 डिमांड हमारा पूरा कर दिया, हमारे एरिया की जो तकलीफ है पानी की समस्या दूर हो जाएगी और सबों को आराम हो जाएगा। ये न्यूज़ बनने के बाद, ये मीटिंग होने के बाद, कुछ लोगों को लगेगा कि ये मतलब यही हफ्ते का मसला है या 15 दिन का मसला है या 1 महीने या 2 महीने से मतलब पब्लिक जो है ना होशियार हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा नाम गौस रहमान शेख है। ये वार्ड के अंदर आपसे पहले एक कॉरपोरेटर और आया था जिसका नाम था हसनैन फारूकी। 10-12 साल पहले वो इलेक्शन लड़ा है, जब जो आज के पैनल के नगर सेवक है इनका नामो निशान नहीं था। उतनी टाइम में मैं पानी की लड़ाई बोल के एक कटाप मार के मौलाना आज़ाद नगर में लाया हूँ। ये लड़ाई जो है ना 15 से 20 साल पुरानी है, इसके अंदर कोई हल नहीं हुआ। इस पर जितना हो सके उतना ध्यान दे। हम इससे पहले का नगर सेवक क्या किया, वो किया नहीं किया, तुमको क्यों हम जिता के बिठाए हैं, ये सुनने के लिए नहीं बिठाए कि वो क्या किया। हमको ये देखना है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे भारी नगर सेवक या तुमसे भारी आमदार हम ढूंढने की ताकत रखते हैं। आपको ठीक लगे हमारे साथ खड़े होए और हमारी तकलीफ में हमारी ताकत बने, ये नहीं कि ये पब्लिक जुटा लिए, एक माहौल बना दिए, इसको कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे काटा जाए। तुम आज अगर तोड़ोगे, आज अगर काटोगे, ना हम परसों और आगे बढ़ेंगे।
तुम देखना चाहते हो तुम हमारे वार्ड में दो, जिसके लिए हम तुमको वोट किए। हमारे पास म्यूनसिपालिटी चौहान कॉलोनी यहाँ से ठीक बाजू में है, उसके ठीक बाजू में है आईजीएम की टाकी, दूसरा एरिया पड़ता है, पहले एरिया में पानी है, यहाँ पानी क्यों नहीं है भाई? वहाँ बालाकंपण में पानी है, मौलाना आज़ाद नगर में पानी क्यों नहीं है भाई? वहाँ के जो नगर सेवक है वो ताकतवर है, तो यहाँ के नगर सेवक क्या कमज़ोर है कि यहाँ की आवाम कमज़ोर है? चौहान कॉलोनी के अंदर रीगल होटल के पास से जो गली गई है वहाँ से आप जाके टॉयलेट गिनती करें, 5 से 6 टॉयलेट मिलेगी 70 नंबर स्कूल के एरिया तलक का। ये मौलाना आज़ाद नगर जो सिल्वर होटल के पास से शुरू हुआ है, आलिया कम्प्लेक्स के लग जाके ख़त्म होता है, म्यूनसिपाल्टी की सिर्फ एक संडास है, हमको एक संडास और चाहिए। इसके अंदर और भी कुछ काम लगेगा तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे, बेहतर इसी में है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो जाओ। मीटिंग लिए हैं, ऐसी मीटिंगें ना होए, तुम जान जाओ कि ये काम करना है, तुमको हर चीज़ की खबर है, ये मोहल्ले के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नगर सेवकों को वार्ड के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये अच्छी तरीके से जानते हैं। हम नहीं जान पा रहे हैं कि आपके यहाँ क्या चल रहा है दिमाग में, क्यों नहीं काम हो रहा है, 6.5 साल हो गए, अब कब? इस वक्त नगर सेवक नहीं है, बर्खास्त है म्यूनसिपाल्टी इनके लिए, तो कॉरपोरेशन से है। अब कल आप नगर सेवक का इलेक्शन हुए तो आप वोट लेने के लिए आओगे, तो सबसे पहले सवाल आप ये जान ले, पहले हमारा काम कीजिए फिर हम तुम्हारा काम करेंगे। तुम हमारे साथ हो जाओ, हम तुम्हारे साथ है। हम ऐसा नहीं है कि मतलब अरुण राउत साहब एक नए नगर सेवक हमारे वार्ड नंबर 4 में आए, हमने जो है ना दिल खोल के उनका स्वागत किया, बड़ी तादाद से उनको वोट के साथ विनर बनाए। हम ऐसे नहीं है कि मतलब काम हो गया और भाग गए, हम लगे तुम्हारे साथ, हम देख रहे हैं कि तुम हमारे साथ नहीं, तब जाके हमको है ना ये मीटिंग जमाना पड़ रहा है, जब जाके ये काम होना चलाना पड़ रहा है। नमो रोजगार मिड़ावे से मिलेगा हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार, नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन मौका आया है। राज्य सरकार की ओर से राज्य स्तर पर ठाणे शहर में 24 और 25 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक महारोजगार मेड़ावे का आयोजन किया गया है। इस महारोजगार मेड़ावे के संदर्भ में आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें भिवंडी के पावर लूम, साइजिंग, डाइंग, डॉक्टर, मेडिकल और दूसरे सभी मजदूर यूनियन के लोग भी सहभागी हुए थे, जिसमें आयुक्त अजय वैद ने इस रोजगार मेड़ावे में सभी को शामिल होने की अपील की है और भिवंडी शहर से ज्यादा लोगों को इस अवसर पर रोजगार मिले, इसलिए सभी भिवंडी वासी नमो रोजगार मेड़ावे का फायदा उठाए। ये जो नमो महारोजगार मेलावा जो होने वाला है ये 24 और 25 फरवरी को थाना यहाँ पे कोलचेत ग्राउंड पे होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री एकनाथ जी शिंदे इनके निर्देशन पे ये हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका पूरी ताकत से इस शिविर में हम उतरने वाले हैं और यहाँ के जितने भी बेरोजगार युवक और युवती है उनके लिए तथा पूरे महाराष्ट्र के लिए ये मेलावा आयोजित किया गया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ आएंगे, जो जॉब गिवर्स है और जो जॉब सीकर्स है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम लेके आ रहे हैं। उसके लिए एक पोर्टल का निर्माण हुआ है, ये पोर्टल पे हमको सबको माहिती अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट अपलोड करनी है और वो हिसाब से जो नौकरी देने पॉसिबल है वो नौकरी वहाँ पे दी जाएगी। इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हमको निर्देश दिया है कि 6 महीने या 1 साल में कभी भी मैं किसी बच्चे को बुला के पूछूंगा कि आपको जो नौकरी दी गई थी वो अभी चालू है कि सिर्फ उस दिन के लिए दी थी या कम समय के दिली थी। तो इतनी सीरियस बात हम ले रहे हैं, हम देश सेवा करके ये मौका हम हाथ से गंवाना नहीं चाहते, हमारा ये अच्छा मौका मिला हमको सेवा करने का और भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका पूरी तरह से पूरी ताकत से इसमें उतरी है। हमारे जितने ऑफिसर्स है, जितने नोडल ऑफिसर्स है, जितने स्टाफ है, हमने सबको ये जिम्मेदारी दी है कि आपको जाके हर एक इंडस्ट्री में जाके आपको इसका कैनवासिंग करना है। उसी प्लान के तहत हमने आज ये सभी इंडस्ट्री वालों का, एनजीओस का और जो भी जॉब गिवर्स है और जॉब सीकर्स है उन सब का इधर शिविर आयोजन किया था, उनको इन्फॉर्मेशन दिए है और सैटरडे और संडे जो छुट्टी के दिन है उसी दिन हमारा महापालिका में एक स्पेशल कक्ष हमने खोला है कि ये कक्ष में आपको अगर पोर्टल पे कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के लिए कोई अड़चन हो रही है तो अड़चन दूर की जाए। इस तरह से हम पूरी ताकत से इसमें जुटे हुए हैं और इसके साथ ही हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चल रही है फिर भी, और इलेक्शन का काम भी चल रहा है फिर भी, ये जो काम है ये सबसे प्रायोरिटी का काम है और हम इसको पूरी तरह से ईमानदारी से साथ निभाएंगे और इसके जास्ती जास्ती इसको सक्सेस मिला के दिखाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भिवंडी के शहरवासियों से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? मेरा आह्वान ऐसा है कि देखो, बहुत बार आप सरकारी कार्यालय में जाते हो हमको जॉब दे दो करके,
लेकिन सरकारी कार्यालय में जॉब देने की सीमित संख्या रहती है। लेकिन यहाँ पे जो सब प्राइवेट इंडस्ट्री वो सब आने वाली है, जहाँ भारत के जो देश विकसित हो रहा है पूरा, और माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तारीख तक विकसित भारत हो जाए, तो विकसित भारत के तहत ये योजना अपनी जो चालू है उसमें हम सबको जॉब देने वाले हैं। जितने लोगों को जॉब की डिमांड है और जितने जॉब क्रिएटर है उन सबको हम सामने सामने ला रहे हैं, तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रोजगार निर्माण हो जाए और रोजगारों को, बेरोजगारों को अच्छा रोजगार मिले। आपके शहर का हर राज, हर कहानी, हर चुनौती, सब कुछ मिलेगा न्यूज 14 के इस खास कार्यक्रम अपना शहर में। सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ हर कोने से आने वाला समाचार है खास। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि शहर की बात होगी हमारे साथ, यानी अपने शहर के साथ। धन्यवाद।